Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. Okay, students, first of all, tell me, how is your study going on? Okay, students, so today I'm going to start your new chapter, chapter 10. Okay, so today we will study chapter 10. Name of this chapter is Borrowed Feathers. Chapter ka name kya hai? Borrowed Feathers. So students, first of all, open page number 97. Okay, first of all, go and check your book. Course book ka aaj hum log chapter 10 karenge beta. Name of this chapter is Borrowed Feathers. So students, first of all, tell me, what is the meaning of borrowed? Borrowed means kya hota hai? Udhar lena. So पेज नंबर 97 में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, देखते हैं कि क्या है, समझते हैं बेटा इसको. पेज नंबर 97 में देखिए है, आइडेंटिफाई द एनिमल फ्रॉम द पिक्चर एंड ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट विद इट्स नेम इन द बॉक्स. इस बॉक्स में कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, ठीक है बेटा, क्या क्या है चलिए देखते हैं. एलिफेंट, ऑल, पिकअप, लॉयन, क्रोकोडाइल, ईगल, जिराफ एंड कैमल. तो बोल रहा है बेटा कि इस जितने भी पिक्चर दिए हुए हैं इसको आपको आइडेंटिफाई करना है और इसको आपको मैच करना है कि कौन एलिफेंट है, कौन ओवल है, कौन पिकॉक है, कौन लॉयन है, आपको इसको मैच करना है. ये आपका क्या है? होमवर्क है, ठीक है. नाउ ओपन पेज नंबर 98 ऑल ऑफ यू. नाउ रीड दिस स्टोरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हक्का एंड पक्का द ट्विन जैकल्स वेर ईटिंग सम जूसी बेरीज. इसमें दो हैं, दो जने की स्टोरी है, उनका नेम क्या है? हक्का एंड पक्का. हक्का एंड पक्का द ट्विन्स जैकल्स. ये क्या थे? ट्विन्स. ट्विन्स मीन्स क्या होता है बेटा? जुड़वा. जुड़वा थे ये लोग. वेर ईटिंग सम जूसी बेरीज. वो क्या कह रहे थे? कुछ जूसी बेरीज खा रहे थे. बेरीज इज अ टाइप ऑफ फ्रूट्स. तो जूसी बेरी लोग बैठ के खा रहे थे. सडनली दे शो मोर द पिकअप रनिंग डाउन द पाथ. सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक. अचानक उन्होंने क्या देखा कि मोर, मोर मीन्स पिकअप. पिकअप जो है वो जा रहा था उधर से, रन करते हुए, दौड़ता हुआ, चलता हुआ, वहां से एक पिकअप जा रहा था. द पुअर बर्ड लुक्ड फ्रेटेन. जो वो बर्ड थे, जो पिकअप था, वो बर्ड डरा हुआ, सहमा हुआ दिख रहा था. What's wrong, मोर भाई? हक्का asked. हक्का मोर से क्या पूछा बेटा? What's wrong, मोर भाई? हक्का asked. हक्का ने मोर से पूछा कि क्या हुआ, क्यों तुम डरे हुए हो, क्या प्रॉब्लम है आपको मोर भाई? तो मोर ने क्या बोला बेटा? We are in great trouble, हक्का. तो पिकक ने बोला कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं. हम लोग बहुत बड़ी परेशानी से, मुसीबत से बच के आ रहे हैं. हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं. द ह्यूमंस आर हंटिंग अस. ह्यूमंस बींग जो है, मनुष्य जो है, वो हम लोगों को मारना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट आवर फिटर्स, दे वॉन्ट टू मेक फैंस आउट ऑफ देम मोर सॉ. वो बोलते हैं, पिकक जो है वो बोलता है कि जो ह्यूमंस हैं वो हमें मारना चाह रहे हैं. और वो क्या चाहते हैं? वो मेरा, हम लोगों को मार के हमारे फिटर्स लेके फैन बनाना चाहते हैं. देयर वॉज द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स एंड वॉइसेस. जब हम लोग चलते हैं तो फुट की आवाज आती है ना, तो हक्का पक्का और पिकअप आपस में बातें कर रहे थे, तो उन्हें किसी की चलने की आवाज आई. ओके, और कुछ वॉइस भी आ रहे थे, चिल्लाने बोलने की आवाज भी आ रही थी. देयर वॉज द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स एंड वॉइसेस. कुछ चलने की आवाज और वॉइसेस की आवाज आ रही थी. ह्यूमंस कमिंग इन दिस डायरेक्शन. जो मनुष्य थे, ह्यूमंस थे, वो उसी डायरेक्शन में आ रहे थे. आरे मोर टुक ऑफ, ही फ्लू अप टू अ हाई ब्रांच एंड हाइड हिमसेल्फ देयर. हक्का एंड पक्का डाइवर्ट इनटू अ बुश. बेटा जब इन लोगों ने देखा, पिकक ने और हक्का पक्का ने, कि ह्यूमंस आ रहे हैं, उनके आने की आवाज और वॉइस आ रही है, तो पिकक ने क्या किया, वहां से उड़ के भाग के और जाके हाई ब्रांच में
जाके पेड़ के एक बहुत ऊंचे ब्रांच पे जाके वो लोग क्या किए बेटा, छुप गए, ठीक है। और हक्का पक्का जंप करके जाके बुश में जाकर वो लोग भी छुप जाते हैं। सम दोस लुकिंग मैन अपीयर्ड, दे हेल्ड पिकअप फीडर्स इन देयर हैंड्स, दे लुक्ड अराउंड फॉर मोर, दिस सिली बर्ड केम दिस वे शाउटेड वन ऑफ द मैन, दे सर्च एवरीवेयर बट मोर वॉज वेल हिडन, आफ्टर अ व्हाइल दे गिव अप एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट। क्या होता है बेटा, सम डोर लुकिंग मैन अपीयर्ड, कुछ लोग वहां पे देखते हैं कि आखिर भाई जो मोर था वो कहाँ गया, तो उसमें से जो एक है और बंदा, सारे लोग जो थे वो बहुत ही ऐसे डरावने से फेस लेके, जितने भी ह्यूमंस थे वो बहुत डरावने से फेस लेके खड़े थे और उनके हैंड्स में क्या थे, फिदर्स थे, और वो लोग चारों तरफ किसको सर्च कर रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे, पिकअप को, मोर को, तो वो लोग चारों तरफ उनको ढूंढ रहे थे। एवरीवेयर बट मोर वॉज वेल हिडन, लेकिन जो मोर था वो क्या था बेटा, वो छुपा हुआ था, वो हिडन था, नहीं दिख रहा था। आफ्टर अ व्हाइल दे गिव अप एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट, अब ढूंढते ढूंढते ये लोग थक गए, इन्हें कहीं भी मोर नहीं मिला, तो ये जो ह्यूमंस थे वो थक के फॉरेस्ट को छोड़ के चले जाते हैं। हक्का एंड पक्का केम आउट ऑफ द बुश, मोर केम डाउन फ्रॉम द ट्री, फिर जब इन लोगों ने देखा कि ह्यूमंस जो है वो चले गए, तो हक्का और पक्का बुश से बाहर निकल के आ जाते हैं, और जो मोर है वो भी क्या करता है, ट्री से नीचे आ जाता है। दे बिगेन टू थिंक, और वो दोनों सब साथ में सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, अब हम लोग ऐसे कितने दिन बच सकते हैं बेटा, डेली ह्यूमंस आएंगे, उनको ढूंढेंगे, एक ना एक दिन तो मिल ही जाना है, और मिल जाने पर वो उनको मार के उनके फिदर्स को ले लेंगे। तो ये सब क्या, कौन कौन, हक्का पक्का और जो पिकअप थे, ये सारे आपस में बैठ के सोचने लगे कि अब हम लोग क्या करें जिससे हम लोग ह्यूमन से बच पाएंगे। लेट्स आस्क उल्लू जी फॉर एडवाइस, तो जो हक्का पक्का थे, हक्का ने बोला कि चलो अब इसका जो हम लोग मसला किससे करने जाएंगे, उल्लू जी से, उल्लू जी ही हमें कोई रास्ता बताएंगे। पक्का सजेस्टेड, बोला लेट्स आस्क उल्लू जी फॉर एडवाइस, पक्का सजेस्टेड, पक्का ने सजेस्ट किया, उसने एडवाइस दिया कि चलो हम लोग उल्लू जी के पास चलते हैं, वो हमें जरूर ना कोई सही रास्ता, कोई ना कोई सही हमें तरीका और कोई ना कोई एडवाइस जरूर देंगे। उल्लू जी केम आउट ऑफ हिज होल इन द जामुन ट्री, उल्लू जी कहाँ रहते थे बेटा, जामुन ट्री पे, तो वो अपने होल से बाहर निकलते हैं उल्लू जी। उल्लू जी केम आउट ऑफ हिज होल इन द जामुन ट्री, द थ्री फ्रेंड्स टोल्ड हिम ऑफ द प्रॉब्लम, जब उल्लू जी अपने होल से, जामुन ट्री के होल से बाहर निकलते हैं, तो जो उनके थ्री फ्रेंड्स हैं वो लोग अपनी प्रॉब्लम को उनसे बताते हैं। हक्का पक्का और पिकअप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को बताता है कि ह्यूमंस जो है वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग हमें मार कर वो लोग हमारे फिगर्स को लेना चाहते हैं और उस फिगर से फैन बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम उल्लू जी को बताया। उल्लू जी सेट परफेक्टली स्टिल फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उल्लू जी चुपचाप शांत होके न्यायस को क्लोज करके चुपचाप 10 मिनट शांत हो जाते हैं। डू यू थिंक ही इज फॉलन अस्लीप, तो वो लोग आपस में बातें करने लगते कि क्या तुम क्या सोच रहे हो कि उल्लू जी क्या सो गए हैं। मिस अपेयर्ड हक्का चुपक्का, हक्का ने पक्का से बोला कि तुम चुप हो जाओ, उल्लू जी हैं जो हैं वो बहुत क्लेवर, बहुत चतुर हैं, वो जरूर ना जरूर कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, जरूर ना जरूर कोई खोज कर रहे हैं कि हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाला जाए। शशर पक्का, उल्लू जी इज अ वेरी वाइज ऑल, उसने बोला कि तुम चुप हो जाओ, शांत रहो, उल्लू जी जो हैं वो बहुत वाइज उल्लू हैं, उनके पास जरूर ना जरूर कोई हमें रास्ता मिल जाएगा। उल्लू जी ओपेंड हिज आइज, शुक आउट हिज फीदर्स एंड लुक्ड डाउन एट द थ्री फ्रेंड्स, फिर उल्लू जी ने क्या किया, उन्होंने अपने आइज को ओपन किया और ओपन करने के बाद क्या किया, शुक आउट हिज फीदर्स, अपने फीदर्स को उन्होंने फैला देखा और फिर अपने तीनों फ्रेंड्स को नीचे देखने लगे, कि अपने फ्रेंड्स को देखा और ही हुडेड थ्री टाइम्स, उन्होंने अपने आइज को क्या किया, थ्री टाइम्स ब्लिंक किया। हम लोग ऐसे ऐसे करते ना बेटा,
तो वैसे ही उल्लू जी अपने होल से निकल के अपने आईज को ओपन करके और अपने फर को ऐसे सुखा के बैठ गए और अपने फ्रेंड्स को देखने लगे और देख के अपने आईज को 3 times उन्होंने ब्लिंक किया। ठीक है, वॉट इट 3 times ब्लिंक ट्वाइस एंड सेड, उन्होंने अपने आईज को बोला आई वॉन्ट हू द उल्फ। हू कौन था? उल्फ। उल्फ को वो क्या कहते थे? हू। तो उल्लू जी ने उन लोगों से बोला कि मैं हू को चाहता हूँ, मैं उल्फ चाहता हूँ, उल्फ को, कि आप लोग मेरे पास उल्फ को लाओ। ब्रिंग हिम हियर, उन्होंने बोला हक्का पक्का और पिकअप से उल्लू जी ने कहा कि आप लोग ऐसा करो कि आप जाओ और उल्फ को मेरे पास लेकर आओ। उल्लू जी प्लान्स वॉज वेरी क्लेवर इंडीड, बट हू रिफ्यूज टू ड्रेस हिमसेल्फ इन पिकअप फीडर्स। उल्लू जी का जो प्लान था वो बहुत चतुर था, बहुत ही चलाकी से था, बहुत चतुराई के साथ उन्होंने एक प्लान बनाया था उन्होंने, बट जो हुहू था, जो उल्फ था, उन्होंने उल्लू जी के प्लान को क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया कि आप जो प्लान बता रहे हो हम लोग उस चीज़ को करने के लिए रेडी नहीं है। उल्लू जी प्लान वॉज वेरी क्लेवर एंडेड बट हुहू रिफ्यूज टू ड्रेस हिमसेल्फ इन पिकअप फीडर्स। उल्लू जी ने क्या प्लान किया था बेटा? उल्लू जी ने उल्फ को बोला था, उल्फ को उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि पिकअप के फीडर्स को आप लोग पहन के और फॉरेस्ट में जाओ और बैठ जाओ। लेकिन जो उल्फ था उन्होंने उल्लू जी की बात को रिफ्यूज कर दिया, उनका जो आइडिया था उसको रिफ्यूज कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया कि हम लोग पिकअप के फीडर्स को वेयर नहीं करेंगे, नहीं पहनेंगे। द अदर उल्फ विल मेक फन ऑफ मी ही सेड एट लास्ट हू एग्रीड। फिर उल्फ ने उल्लू जी से क्या क्या कहा कि हम पिकअप के फिगर्स को नहीं पहनेंगे क्योंकि जो अदर उल्फ है वो लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, हमारा मजाक बनाएंगे। फिर क्या होता है बेटा, लास्ट में जो उल्फ है वो रेडी हो जाता है पिकअप का मदद करने के लिए। ठीक है, एग्री हो जाता है, एग्री मीन्स तैयार होना, रेडी होना कि ठीक है हम लोग रेडी है पिकअप का हेल्प करने के लिए। फॉर मोर उल्फ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो एग्री टू हेल्प, और उल्फ के जो और भी जो अदर्स फ्रेंड्स थे वो लोग भी रेडी हो जाते हैं पिकअप की मदद करने के लिए। द नेक्स्ट डे द सन सोड, द सेम टोज लुकिंग मैन एंटर्ड द फॉरेस्ट टू कलेक्ट पिकअप फिगर्स। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे बेटा जब सुबह होती है, धूप निकलता है, तो क्या होता है बेटा, उल्फ क्या करते हैं कि पिकअप के फिगर्स को पहन के और जाके फॉरेस्ट में बैठ जाते हैं। फिर जो मैन ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस फिर फॉरेस्ट में किसको ढूंढने निकलते हैं? पिकअप को, और पिकअप को मार के क्या करते हैं वो लोग, उनके फिगर्स को ले लेते हैं। तो द सेम दोज लुकिंग मैन एंटर द फॉरेस्ट टू कलेक्ट पिकअप फिगर्स। उसी तरीके से फिर ह्यूमंस क्या करते हैं, जंगल में आते हैं, फिर वो लोग पिकअप को ढूंढते हैं किस लिए? उनके फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए। दे सॉ 5 large हेल्दी पिकअप फीडिंग ऑन बेरीज। फिर जो ह्यूमंस थे उन्होंने देखा कि 5 बड़े बड़े हेल्दी पिकअप जो है बैठ के क्या क्या खा रहे थे बेटा, बेरीज खा रहे हैं। तो ह्यूमंस तो आज बड़ी खुश हुए, क्यों खुश हुए कि उन्हें लगा कि जो आज 5 पिकअप हमारे हाथ आ जाएंगे, आज तो इन्हें मार के हमें फिगर्स मिल ही जाएगा। व्हाट लक, उन्होंने बोला कि भाई आज क्या नसीब है, बड़ी अच्छी, आज का दिन तो बड़ा अच्छा जाएगा, 5 हम लोगों को हेल्दी मोटे से पिकअप मिल गए, आज तो फिदर्स भी इनमें हमें बहुत मिलेंगे। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। क्वाइटली दे ट्रॉल टुवर्ड्स देम। क्वाइटली मीन्स क्या होता है? चुपचाप। और ट्रॉल मीन्स क्या होता है? सरक नारे। हम लोग जब किसी के पास चुपचाप पहुंचना होता है कि आवाज़ ना हो, हमारे पैर का साउंड उनके पास ना पहुंचे, तो हम लोग धीरे धीरे रेंगते हुए पहुंचते हैं ना, तो ट्रॉल इज कॉल्ड रेंगना, यानी कि सरकना, धीरे धीरे अपने फुट को साउंड ना निकले उस तरीके से वो लोग चुपचाप उस पिकअप के पास पहुंचते हैं। क्वाइटली दे रिकॉल्ड दे वेयर क्लोज इनफ, दे जंप्ड ऑन देम। उन्होंने प्लान किया कि तुम हम लोग ऐसा करते हैं, चुपचाप उनके पास चलते हैं, कोई आवाज नहीं करते, और जब हम लोग उनके काफी पास चले जाएंगे, काफी नजदीक पहुंच जाएंगे, तो क्या करते बेटा, वे लोग जंप करके और उनको पकड़ लेते। उन लोगों ने, ह्यूमंस ने प्लान किया कि ऐसा करते हैं, हम लोग चुपचाप चलते हैं और उनके पास जाके जंप करके उनको हम लोग पकड़ लेंगे। बट ओ माई गुडनेस द पिकअप टर्न राउंड स्नेलिंग एंड ग्रनिंग।
जो पिकक थे वो उनके चारों तरफ उन्हें पहुंच गए। और स्नैलिंग मीन्स क्या होता है बेटा? एंग्री नॉइजेस मेड बाय एनिमल्स। स्नैलिंग एंड ग्रॉलिंग मीन्स होता है एंग्री, जो गुस्से की आवाज निकलती है ना एनिमल्स के थ्रू, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नैलिंग एंड ग्रॉलिंग। दे अटैक द मैन, द पोचर्स रन फॉर देयर लाइव्स। पोचर्स मीन्स क्या होता है बेटा? जो ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो इलीगली, मतलब लीगल तरीके से नहीं, इलीगली अनवांटेड तरीके से किसी को मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? उसी को हम लोग पोचर्स कहते हैं। दे अटैक द मैन, द पोचर्स रन देयर लाइव्स। द स्टोरी वेंट अराउंड द विलेज। अब ये जो कहानी थी ये विलेज की चारों तरफ फैल गई थी, ये जो स्टोरी थी पिकॉक और मैन ह्यूमंस वाली। तो द स्टोरी वेंट अराउंड द विलेज, द पिकॉक इन द फॉरेस्ट हैड शार्प टीथ, दे वेयर एज अ फेयर्स एज वुल्व्स। अब तो उन्होंने देखा कि ये जो पिकॉक है इनका जो शक्ल है या दिखने में ये कैसा दिख रहा है बेटा? वुल्व्स की तरह दिख रहे थे। तो ये जो कहानी थी ह्यूमंस ने क्या किया, पूरे गांव में इन्होंने पूरे विलेज में फैला दिया कि आज जो हम लोगों ने फॉरेस्ट में हमने जो पिकअप को देखा है उनका जो टिथ है वो काफ़ी शार्प है और वो किसकी तरह दिख रहा है? उल्फ की तरह वो लोग दिख रहे थे, काफ़ी हेल्दी से और ऐसे नुकीले नुकीले दांत उनके थे। तो ये जो स्टोरी इन्होंने ह्यूमंस ने क्या किया, पूरे गाँव में फैला दिया। हुहू एंड हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एंड लाफ्ड। जो हुहू था, हुहू कौन था बेटा? उल्फ। तो जो उल्फ और हुहू जो है वो हंसते जा रहे थे और मोर भी, ये तीनों खूब हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे बेटा? क्योंकि इन लोगों ने आपस में प्लान बना के हक्का पक्का उल्लू जी एंड हुहू एंड पिकक, इन सारे ने मिलके एक बहुत अच्छी अच्छी सी एक उन्होंने प्लान बनाया था तकरीब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और उन लोगों ने ह्यूमंस को बेवकूफ बना दिया, ह्यूमन को उल्फ में पिकअप नजर आ रहा था लेकिन उन्होंने सोच नहीं पाया कि ये कौन है। तो ये सोच के जो हुहू था और जो मोर थे वो खूब हंस रहे थे। ही लुक्ड एज अ प्राउड एज अ पिकअप, ही स्टोर्ड, ही फैंड आउट हिज फीडर्स, ही डांस द पिकअप वेयर सेफ। फिर जो पिकअप ने क्या किया, ऐसे एकदम प्राउड, मतलब होता है ना कि घमंड में ऐसे एकदम अकड़ के खड़ा होना, पिकक ऐसे एकदम अकड़ के खड़ा हो जाता है, अपने फेदर्स को फैलाता है और पिकक क्या करना शुरू कर देता है, डांस करना खुशी से कि अब हम लोग सेफ है, अब हम लोग बच जाएंगे ह्यूमन से। तो वो अपनी खुशी को एंजॉय करता है, मनाता है और डांस करना शुरू कर देता है। द पिकक वेयर सेफ। अब पिकक जो क्या थे बेटा? सेफ थे। अब उन्हें ह्यूमन से कोई डर नहीं था। उनको किसने सेव किया बेटा? उल्लू जी ने। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।